प्रस्तुत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वर में विभिन्न विषयों पर उनके विचार। 12 अक्टूबर 1947 को दशहरे के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने संगठित हिंदुस्तान का आह्वान किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण उनके इन शब्दों में झलकता है। दुनिया भर में जितना इलम है उससे ज्यादा हमारे लोक में दमार है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए। हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया उसी मुसीबत होती है। जितना होता भी तेज इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आ। होनी चाहिए, इतनी खुशहाली लोगों को ना हुई, हमको भी नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ साथ कई प्रकार के, नहीं जैसे कल्पना में नहीं आवे इस प्रकार के, कोई हमारा पूर्व का पाप होगा, हमारी कुछ त्रुटियां होगी कि जो हमने नहीं अनुमान किया था, इस प्रकार का वायुमंडल पैदा हो गया जिसमें बहुत सी खुनाम और बहुत सी खराबियां हुई, और हमारी दुनिया में थोड़ी ज्यादा, बहुत थोड़ी, बहुत कम नहीं लेकिन कम बेश बदनामी हुई। तो हर कौम का, तो हर राष्ट्र खाली अपनी तलवार पर निपटा नहीं है। तलवार तो अपनी रक्षा के लिए जरूरी बात है, लेकिन राष्ट्र का प्रगति का माप उसकी नैतिक प्रगति कितनी हुई उसके पर निकलता है। 4 नवंबर 1948 को आकाशवाणी नागपुर के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए सरदार पटेल ने देश के लिए आकाशवाणी के महत्व को उजागर किया था। ब्रॉडकास्टिंग का हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा भारी है और उसके लिए जो योजना हमने बनाई है वो कुछ समय लेगी। उसके लिए इंतजाम करने में हमें बाहर मुल्क से जो सामान सरंजाम मंगवाना है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सब प्रांतों की ख्वाहिश ये थी कि ये काम जल्दी किया जाए तो उनको बहुत सुविधा होगी। इसलिए एक हमने काम चलाऊ योजना बनाई है और ये योजना के अंदर हमने जो प्रोग्राम रखा था उसमें नागपुर में स्टेशन खोलने का इंतजाम किया। ये छोटी पावर का इंतजाम है, लेकिन जब कायम की योजना हमारी शुरू होगी तब इस जगह पर बहुत अच्छा इंतजाम किया जाएगा, बड़ा भारी यंत्र रखा जाएगा और इसके अनुकूल मकान वगैरह का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन तुरंत में काम शुरू हो इसलिए हमने ये बंदोबस्त किया है। हमारी उम्मीद है कि मध्य प्रांत के लोग उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है, उससे बहुत फायदा पहुंचता है लोगों को और भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मध्य प्रांत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आग्रहपूर्वक विनंती करते हैं कि हर जगह पर जहां तक हो सके रेडियो लगाया जाए और देहात के लोगों को फायदा पहुंचे, इसलिए आम जनता में रेडियो सुनने की अनुकूलता की जाए। इसी तरह श्री सरदार के सद्गुणों और उन्हीं के राष्ट्रप्रेम को
आत्मसात करने वाले उनके प्रखर अनुगामी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए सहृदय आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उनके संबोधन से हमें प्रेरित करने के लिए। साथियों, केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में आज की शाम का यह अनुभव अद्भुत है, आजीवन स्मरण रहने वाला है। और अभी अभी हमने सरदार साहब की आवाज, उनका संदेश जो सुना, वो सीधे अंतर मन को छू जाता है। साथियों, देश की विभिन्न सिविल सर्विसेज के इस कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स से एक तरह से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अभी तक तो ये चलता रहा है कि कुछ लोग मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं, तो कुछ लोग हैदराबाद में या फिर अन्य शहरों में। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, जिन साइलोज की बात मैं अक्सर करता हूं, उसका एक स्वरूप ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाता था। सिविल सेवा के इंटीग्रेशन का सही मायने में आरंभ अब आप सभी साथियों के साथ हो रहा है। यह आरंभ अपने आप में एक रिफॉर्म है। मैं इससे जुड़े तमाम अधिकारियों को, तमाम साथियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, ये रिफॉर्म सिर्फ ट्रेनिंग के इंटीग्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सोच और अप्रोच को भी विस्तार दिया गया है। आप सभी युवा ट्रेनीज का विस्तृत एक्सपोजर हो, एक कोशिश भी की गई है। यही कारण है कि सोशल और इकोनॉमिक्स दुनिया से जुड़े ग्लोबल लीडर से, एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराया गया। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छत्र छाया और उसने यहां पर हो रहा है कार्यक्रम, इसका एक विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि सिविल सेवा को राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्रीय एकता का अहम माध्यम बनाने का विजन स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अपने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया। तब कुछ लोगों को लगता था कि जिन अफसरों की भूमिका आजादी के आंदोलन को दबाने की रही, वो आजाद भारत के निर्माण में मददगार कैसे सिद्ध होंगे, और ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक था। ये विचार भी स्वाभाविक था और नफरत का भाव भी बहुत स्वाभाविक था। लेकिन दूरदृष्टा सरदार साहब ने इन तमाम आलोचकों को याद कराया कि आखिरकार ये ब्यूरोक्रेसी ही है जिसके भरोसे हमको आगे बढ़ना है। यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने रियासतों के विलय में अहम कड़ी की तरह काम किया था। साथियों, सरदार पटेल ने दिखाया है कि सामान्य जन के जीवन में सार्थक बदलाव के लिए हमेशा एक बुलंद इच्छा शक्ति का होना
बहुत जरूरी होता है। करीब 100 साल पहले अहमदाबाद म्युनिसिपालिटी को 10 साल के भीतर भीतर सीमित संसाधनों के बीच ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने सबको अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया था और इसी विजन के साथ ही उन्होंने आजाद भारत की सिविल सेवा का खाका खींचा था। साथियों, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से किया गया हर प्रयास नए भारत की मजबूत नींव है। न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमारी व्यवस्था में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में 21वीं सदी की सोच और सपने अनिवार्य है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो, जो इमेजिनेटिव और इनोवेटिव हो, जो प्रोएक्टिव और पोलाइट हो, जो प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव हो, जो एनर्जेटिक और एनेबलिंग हो, जो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, जो ट्रांसपेरेंट और टेक एनेबल्ड हो। साथियों, आपके सामने जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक समय था जब आपके वरिष्ठों को, आपके सीनियर्स को अभाव में ही सब कुछ संभालना होता था। सड़कें हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन टेलीफोन, इवन रोड, सब कुछ का अभाव था। आज स्थितियां ऐसी नहीं है। भारत तेजी से बदल रहा है। कभी अभावों में चलने वाली यात्रा आज विपुलता की तरफ बढ़ रही है। आज देश में विपुल युवा शक्ति है। आज देश में विपुल अन्न के भंडार है। आज देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी की ताकत है। ऐसे में अब आपको इस विपुलता का पूरा लाभ उठाना है। आपको देश का सामर्थ्य बढ़ाना है, साथ साथ स्थायित्व मजबूत करना है। साथियों, याद रखिए, आप इस रास्ते पर सिर्फ एक कैरियर के लिए नहीं आए हैं, महज जॉब के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सेवा के लिए आए हैं, सेवा भाव से आए हैं, सेवा परमो धर्म इस मंत्र को लेकर के आए हैं। आपके हर निर्णय से, हर एक्शन से, हर सिग्नेचर से लाखों जीवन प्रभावित होंगे। और साथियों, आप जो भी निर्णय लेंगे उनका स्कोप बेशक स्थानीय होगा, क्षेत्रीय होगा, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव नेशनल होना चाहिए। यानी आप फैसले तो आपके जिले, आपके ब्लॉक, आपके विभाग की आवश्यकताओं को और समस्याओं को जरूरत के अनुसार लेंगे। वो देश के विकास में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये परख आपको करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और साथियों, अपने हर निर्णय को आप सभी दो कसौटियों पर जरूर कसिएगा। एक, जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, आपका फैसला समाज के आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है
उसकी आशा आकांक्षाओं को वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और दूसरा आपका फैसला इस कसौटी से कसना चाहिए कि आपका निर्णय देश की एकता, अखंडता और प्रगति को आगे बढ़ाने वाला हो, उसे मजबूत करने वाला हो। साथियों, यहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हुई है। आखिर देश के 100 से अधिक जिले विकास की दौड़ में छूट क्यों गए? इसके पीछे सोच और अप्रोच की एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ये जिले जियोग्राफिकली और सोशली बहुत चैलेंजिंग थे, लिहाजा हर स्तर पर इनकी उपेक्षा हुई, इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इस उपेक्षा के कारण सोसाइटी में असंतोष की भावना आ गई, जिसका लाभ गलत ताकतों ने उठाना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इन जिलों का विकास और भी मुश्किल हो गया। इस स्थिति को बदलना आवश्यक था, इसलिए हमने इन जिलों के पिछले पिन के बजाय इनकी एस्पिरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हर पैमाने पर समय सीमा के भीतर काम करना शुरू किया। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा। आज हमें इसके अभूतपूर्व परिणाम भी मिलने लगे हैं, और अब आप सभी, आप पर इस काम को और गति देने का जिम्मा आने वाला है। साथियों, आने वाले समय में आप में से अनेक साथियों की तैनाती ब्लॉक या फिर जिला स्तर पर होगी। जाहिर है वहां अनेक समस्याओं के समाधान आपको ढूंढने होंगे। मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या को एक वक्त में हाथ में लें और उसका संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करें, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉब्लम एंड टोटल सॉल्यूशन। अक्सर हम जोश जोश में हर तरह हाथ मारना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे प्रयास और हमारे रिसोर्सेस दोनों बढ़ जाते हैं। एक समस्या को हल करिए, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, लोगों का भरोसा भी आप पर बढ़ेगा। अब जनता का भरोसा आप जीतते हैं तो आपके साथ जनता की भागीदारी भी बढ़ जाती है। साथियों, आपके सामने ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को लेकर बनी एक नेगेटिव धारणा को बदलने की बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम, ये दो ऐसे शब्द बन गए हैं जिनको बैड ब्यूरोक्रेसी या बैड सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में ही नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए उपयोग होने लगा है। आखिर ये हुआ क्यों? हमारे अधिकतर अफसर मेहनती भी है और रिसेप्टिव भी है, लेकिन पूरे सिस्टम और पूरी ब्यूरोक्रेसी का नेगेटिव परसेप्शन बन गया है। साथियों, सिविल सेवाओं को लेकर हार्ड पावर की, अफसरशाही की, रौब की, रसूख की एक छवि रही है। ये छवि निश्चित रूप से कॉलोनियल लीगेसी है, जिसको छोड़ने में कुछ लोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। आपको इस छवि से सिविल सेवा को बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। आपकी पहचान हार्ड पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर से होनी चाहिए। हार्ड पावर आक्रोश का कारण बनती है और सॉफ्ट पावर सद्भाव विकसित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। अपॉइंटमेंट से लेकर सुनवाई तक का एक सरल मैकेनिज्म होना चाहिए। आप
सात दरवाजों के पीछे रहते हैं, ये भाव जनता में कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपके पास हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन हो ऐसा संभव नहीं है, और सामान्य जनता इस बात को भी भली भांति समझती है। वो सिर्फ सुनवाई चाहती है, सम्मान चाहती है, उसकी बात सही जगह पर पहुंचे, इतने से ही कभी कभी हमारा देश का नागरिक संतुष्ट हो जाता है। आपका प्रयास होना चाहिए कि वो सम्मान और संतुष्टि के भाव के साथ आपके दफ्तर से निकलना चाहिए। साथियों, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए, पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ईमानदार फीडबैक बहुत जरूरी है। ये मैकेनिज्म ये भी आपको ही विकसित करना ही होगा। पहले के जमाने में कलेक्टर के लिए नाइट होल्ड का एक नियम होता था, एक मार्च टू होल्ड रेशियो भी होता था। इस पूरी कवायद से पता चलता था कि अफसर ने फील्ड में कितना समय गुजारा है। अब ये परंपरा एक प्रकार से उसमें काफी ढीलापन आ गया है, कहीं कहीं तो खत्म हो गई नजर आती है। ऐसी ही एक पुरानी परंपरा थी डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर की, जो अब करीब करीब लुप्त होती नजर आ रही है। हैंडिंग ओवर नोट की भी एक व्यवस्था थी, जिसमें हर जाने वाला अफसर आने वाले अफसर के लिए एक नोट छोड़ करके जाता था। इस नोट के माध्यम से नए अफसर को उस पोस्ट से या उस ऑफिस से जुड़ी चुनौतियां, समस्याओं और अहम मुद्दों को समझने में बहुत बड़ी सुविधा होती थी, गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती थी। ऐसी अनेक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी पुरानी व्यवस्थाओं में रही है, जिन्हें फिर से जीवित करने की जरूरत है। पुरानी अच्छी परंपराओं को आज के युग में नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमें उन्हें और समृद्ध करना है और मजबूत करना है। तकनीक को हमें ऑल्टरनेटिव नहीं, मल्टीप्लायर के तौर पर उपयोग करना चाहिए। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म मेल मुलाकातों के पुराने तरीकों के साथ साथ हम सोशल मीडिया का भी अच्छा बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया को रिलायबल सोर्स भले ही नहीं माना जाना है और नहीं माना जा सकता, लेकिन एक टूल जरूर है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। और हां, हमारे फैसलों, हमारी नीतियों को लेकर जो इनपुट आता है, जो फीडबैक आता है, उसका ईमानदार आकलन भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आंखों और हमारे कानों को अच्छा लगे वही सुनना और वही देखना है। हमें फीडबैक प्राप्त करने के अपने दायरे का विस्तार करते हुए अपने विरोधियों तक की राय को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे हमारे ही विजन को डेप्थ मिलेगी। साथियों, सरकारी व्यवस्था में रहते हुए कभी कभी हम एक और गलती कर देते हैं। अक्सर एसी कमरों में बैठे हुए हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है। हमारा एक सीमित सोशल सर्कल होता है जिसमें हमारे जैसे ही लोग शामिल होते हैं। यही कारण है कि बहुत बार हमें सामान्य समस्याओं की भी सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए हम किसी भी सर्विस में हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। इससे हमें सही पॉलिसी डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि मिनिस्ट्रीज
हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या दूसरे सरकारी विभाग, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंज्यूमर ही सबसे ऊपर होना चाहिए। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मैन पावर की इन्वेंटरी में, टेक्नोलॉजी में हर स्तर पर जरूरी बदलाव होने लगेगा। जब सर्विस डिलीवरी में जरूरी बदलाव होंगे तो लाइफ अपने आप इजी हो जाएगी। साथियों, अभी मैंने आपसे मैनेजमेंट की प्रचलित भाषा का उपयोग किया और वो इसलिए किया क्योंकि कभी कभी किसी बात को समझाने के लिए नोन टू अननोन की तरफ जाना बड़ा सरल रहता है, एक सुगम तरीका भी रहता है। इन सबसे ऊपर सबसे गहरी है और वो है हमारे भीतर की भावना, हमारे भीतर की वेदना, हमारे भीतर की संवेदना। एक विचार हर पल, हर आती और जाती हुई सांस के साथ, आपके अस्तित्व के साथ जुड़ जाना चाहिए। वो विचार क्या है साथियों? आपके मन मस्तिष्क में ये रच बस जाना चाहिए कि मैं आज जो कुछ भी हूं ये मुझे मेरे देश ने दिया है, मेरे समाज ने दिया है, इस देश के करोड़ों लोगों ने दिया है। ये देश मेरा है, इस देश के लोग मेरे हैं। इस सर्विस में आने के बाद जो तामझाम मुझे मिला हुआ है उसमें किसी गरीब के पसीने की महक है। साथियों, हम देश के गरीब के, देश के लोगों के, हम सब कर्जदार हैं, ऋणी हैं। उस गरीब का कर्ज चुकाने का, देश के सामान्य मानवी का कर्ज चुकाने का हमारे पास एक ही तरीका है। हम देशवासियों की जिंदगी आसान बनाएं, जो उनका हक है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें, जी तोड़ मेहनत करें। साथियों, आज का नया भारत कहीं ज्यादा आकांक्षी है, वो अधीर भी है और विकास की उसकी ललक पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आज पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि नागरिक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, अवेयर है, कहीं ज्यादा इन्वॉल्व है और कहीं ज्यादा सेंसिटिव भी है। सरकार एक आवाज लगाए, जरा सी भी मदद मांग ले या किसी मुहिम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करे तो तमाम देशवासी खुशी खुशी उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, इसके हमें प्रोएक्टिवली काम करना ही होगा। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य मानवी को रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार से जूझना ना पड़े। हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामान्य मानवी की जिंदगी सरकार के प्रभाव में दब न जाए और गरीब की जिंदगी सरकार के अभाव में दम न तोड़ दे। साथियों, ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने में एक और चीज अहम भूमिका निभाती है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर कैपिटा इनकम 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है,
उसके पीछे सोच भी यही है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में आप सभी साथियों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जहां भी तैनात होंगे वहां की व्यवस्थाओं को बिजनेस फ्रेंडली बनाने में, वहां एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने में सिविल सेवा के सभी अंगों को मिलकर के प्रयास करना है। साथियों, आज समय की मांग है कि देश के जिले भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए आपस में स्पर्धा करें। कोई जिला जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसका राज्य भी आगे बढ़ेगा और इसका सीधा प्रभाव पूरे देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा। और इसलिए भविष्य में आप जिस भी जिले में नियुक्त हो वहां पर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए हर प्रकार के प्रयास, जैसे मानो एक्सपोर्ट ले लीजिए, क्या आपके जिले में एक्सपोर्ट होता है? वहां की कोई प्रोडक्ट दुनिया के देशों में जाती है? क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपका कोई योजना है? आप टारगेट तय करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपकी साझा ताकत से हम हर लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। साथियों, बड़े लक्ष्यों के लिए हमारे निर्णय स्पष्ट हो, समय पर हो, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो निर्णय लेने से बचने की कोशिश करते हैं। इससे व्यक्तिगत स्तर पर लाभ हानि हो या न हो, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सभी से, देश को हमें समाधानों की अपेक्षा है, स्टेटस को की अपेक्षा आपसे नहीं है। साथियों, आप पूरी आजादी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर सके, इसके लिए हर जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ट्रांसफर राज खत्म हो, एक स्टेबल टेन्योर ब्यूरोक्रेसी को मिले, पोस्टिंग के लॉबिंग नहीं एबिलिटी काउंट हो, ट्रेनिंग के मौजूदा सिस्टम को ओवरहॉल करने के प्रयास के तो आप खुद साक्षी बन चुके हैं। हम एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो कंटिन्यूअस कस्टमाइज डिलीवरी पर आधारित होगा। साथियों, आपके सामने एक लंबा कार्यकाल है। आज आप सभी, आप सबके बीच करीब करीब पूरा दिन मुझे रहने का अवसर मिला, एक प्रकार से मुलाकात का भी उसकी शुरुआत है, एक प्रकार से आरंभ है। आप में से अनेक साथियों से आगे भी मुलाकात होती रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आप नित नया सीखें, नई सीख को देश की सेवा में लगाएं, अपने भीतर का विद्यार्थी कभी मरने मत देना। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को पार कर जाएं, भीतर का विद्यार्थी बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता रहता है। साथियों, सरदार पटेल के सपनों को साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, इसे पूरा करना है। और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आज सुबह जैसे मैंने कहा कि आप जिस सेवा से जुड़े हुए हो, ये सेवा सरदार साहब के सपने का अंश है। और इसलिए जिस मजबूत नींव की शुरुआत सरदार साहब ने की थी,
जो पिछले 70 साल तक अपना क्रमिक विकास करती रही है। अब वक्त बदला है, सदी बदल चुकी है, सपने बदल चुके हैं, इरादे बदल चुके हैं, अपेक्षाएं बदल चुकी हैं, आवश्यकताएं बदल चुकी हैं। ऐसे समय हम भी पिछली शताब्दी की सोच से 21वीं सदी का नया भारत नहीं बना सकते। हमारी सोच भी 21वीं सदी की चाहिए, हमारे सपने भी 21वीं सदी के चाहिए, और सरदार साहब के आशीर्वाद से हमें इसे साकार करने के लिए अपने आप को सज्ज करना है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने प्रयासों से परिवर्तन ला करके रहना है। नया भारत बनाने का सपना हर हिंदुस्तानी का है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी कुछ ज्यादा है। उस जिम्मेवारी के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। इस सरदार साहब की प्रतिमा विश्व में ऊंची प्रतिमा के रूप में लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे लिए इसे ऊंची नहीं है, आने वाली सदियों तक प्रेरणा देने वाली ये प्रतिमा है। ये आने वाली सदियों तक प्रेरणा देने वाली इस प्रतिमा से हम प्रेरणा लेकर के अपना सर झुका करके उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर के इस नर्मदा मैया के आशीर्वाद को लेकर के माँ नर्मदा की पावन धरा की इस पवित्र छाया से संकल्प को और मजबूत करते हुए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरा आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका, आपकी प्रेरक उपस्थिति एवं अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टू। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद उत्साह के साथ न्यू इंडिया की तस्वीर में विकास के रंग भरने की तमन्ना लिए इन प्रोबे